मिसेज वीरांशु सिंघानिया। अरे सबके सामने जवाब नहीं दिया, सबके सामने बेइज्जती कर दी पतिदेव की। ए पंकी। अबे ओए पंकी, तेरी होने वाली दुल्हन कहाँ गई? भाग गई क्या? तुमने सोचा होगा इस आदमी से शादी कैसे करूं, इसका नाम ही पंकी है। हेलो इंडियन पंकज, मिस्टर पंकज। अरे अबे पंकी, तू पंकज पन के भी क्या कद्दू में तीर मार लेगा? तू देख बेटा कहाँ का तीर मार। तुम करने क्या वाले हो? प्लीज बताओ। कुछ नहीं करने वाला पानी, जस्ट रिलैक्स। इसको व्हाट द हेल। बेबी कहाँ थी तुम बाहर कब आई? मैंने तो नीचे आते हुए तुम्हें देखा ही नहीं। ऐसी हूँ, जल्दी किसी की नजर में नहीं आती और पकड़ में तो बिल्कुल भी नहीं। गाइज, ये है तुम्हारी होने वाली पत्नी, आई मीन कि मेरी होने वाली पत्नी, तुम्हारी भाभी। व्हाट्स अप स्वीटहार्ट? कुछ नहीं। तो जाओ चेंज कर लो, थोड़ी सी और हॉट बन जाओ। ये रिंग तभी तो यही पड़ी है। मैंने बानी कहाँ पे? वो चेंज करने गई है। ओके। जेठानी की इतनी खबर? पानी की तो खैर नहीं। पता, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, इसलिए बार बार मेरे सामने फिसलती हो। नहीं, मैं उन दीवानी लड़कियों की तरह नहीं हूं जो तुम्हें देख के फिसल जाए। कुछ चल रहा है? मैं भी तुम्हें ऐसे ही बचाऊंगा, सेम टू सेम पकड़ के। वैसे इतनी जल्दी क्या है पंकी की शादी की? एक एक करके मेरे भाइयों की बर्बादी कराना चाहती हो क्या? नहीं, सबकी नहीं, सिर्फ तुम्हारे, अपने पति देव की। उफ। चलो, बर्बादी के बहाने तुमने मुझे अपना तो कहा। वीर भाई, हो गया आपका? आज मेरा स्पेशल डे है, अपना रोमांस बाद में कर लेना। रिंग्स रेडी है।
स्वीट हार्ट, मैं खड़े खड़े सोचा था कि तुम एक आइकॉनिक रोमांटिक डायलॉग को ना अपनी तरह बना देती हो, डल एंड बोरिंग। क्योंकि वो रोमांटिक डायलॉग तुमने बोला होता है। ओह, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। लेकिन तुमने मुझसे शादी की है तो अब तुम रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरोगे। भाई कुछ बात करनी थी, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है कि हैप्पी कपल को गिफ्ट क्या देना है। मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? अब जो तुमने डिसाइड किया हम वही गिफ्ट करेंगे। हाउ स्वीट। भाई हे भगवान, ये जय ने खुद को कहां फंसा लिया है? कहीं मयूरी नीचे आ गई तो, या किसी को जय पे शक हो गया तो? भाई खतरा है यहाँ, अब क्या होगा? अब वो अपना सबसे बड़ा वरदान खो देगा, आधी नाग होने का वर था, और साथ ही खो देगा अपनी पहचान और अपना गन छुपाने का जो उसे आशीर्वाद मिला है उसका असर भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब तो कोई भी ताकतवर शत्रु ये आसानी से जान जाएगा कि कैसा खतरा। जानलेवा खतरा भाई, मैं स्मेल कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई सांप आया है। What? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है तक्ष। भाई वो अपने असली रूप में नहीं आया है। तक्ष बकवास बंद कर, कौन सा सांप हमारे मतलब चील के घर में आएगा मरने के लिए? और वैसे ये सारे लोग देखना, ये सब मोनिल पंकी के बहुत पुराने दोस्त हैं, सबको जानते हैं। और ये मयूरी भाई, वो इच्छाधारी भी हो सकता है, वो इस भीड़ में छुपकर अपना भेष बदल के आया है ताकि हम उसे पहचान ना सके। हे भोलेनाथ, कैसे इस दक्ष को जय की गंध कैसे आ सकती है? हम तो आदि नाग और नागिन हैं जिसकी गंध दुश्मन को आ ही नहीं सकती, फिर ऐसे कैसे? तूने कुछ देखा? हाँ, कुछ देखा तूने? की जान को खतरा है। मैंने इसे पहले कहा था कि चीरों के बीच में ना आए। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं जय को? I'll just get another one. दक्ष, ओ गॉड नो, जय ने उसी ग्लास को इस्तेमाल किया था। एंगेजमेंट में इतनी देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो, रपेश, दक्ष। ये ग्लास बानी ने क्यों उठाया? वो खास नाक की गंध उसी ग्लास से आ रही थी जो बानी के हाथ में है, तो क्या इसका मतलब? एक मिनट, ये सारे ग्लासेस आप किचन में ले जाएं, अच्छे से धो दीजिए। ओके जी। थैंक गॉड, इसका ध्यान फिलहाल के लिए बट गया है,
लेकिन मुझे जितना जल्दी हो सके जय को यहाँ से बाहर निकालना होगा। Alright guys, वो टाइम आ चुका है जिसका बेसब्री से मुझे इंतजार था। I'm so sorry. तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। अभी क्या किया? धुला हूँ मैं यार। I'm so sorry. I'm really sorry. Sorry, पंकी भैया।